कोई वजह नहीं थी। मैंने अपना जो मुझे काम करना था, मेरे मंत्रालय का मैंने काम करा। लास्ट ईयर जो अभी लास्ट ईयर के उसकी एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट आई है, मेरे मंत्रालय बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्रालय था। 98% हमने अपना खर्चा किया। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही हमने चार्ज लिया, हमने सारे मैनिफेस्टो के मुताबिक जो प्रोग्राम कमिट करे थे, विकास के प्रोग्राम जो हमारी पार्टी ने कमिट करे थे लोकसभा इलेक्शन टाइम पे, उनके लिहाज से मैंने सारे प्रोग्राम बना लिए, सारे उनकी उसके ऊपर अमल होने लगा। स्कॉलरशिप हो या स्किल डेवलपमेंट हो या जो भी मदरसों के अंदर स्किल डेवलपमेंट थी, वो सब प्रोग्राम होने लगा। तो जाहिर बात है कि खर्चा होगा, तो मंत्रालय अच्छा चलने लगा, मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो हो गया। ये तो जहां तक के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज की बात है कि वो सब, क्योंकि सीखो और कमाओ में 1.5 लाख हमने बच्चों को ट्रेन करा। जो हमारी नई रोशनी की स्कीम है महिलाओं को, उसके अंदर 2.5 लाख महिलाओं को हमने ट्रेन करा। तो जो मंत्रालय का क्वांटिटेटिव काम था वो अपनी जगह पर सही तौर पे चल रहा था। हमें कोई पैसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछली सरकारों में हर बार माइनॉरिटी मंत्री का मंत्रालय का काफी पैसा रिटर्न करना पड़ता था, क्योंकि वो खर्च नहीं होता था। खर्च यूं नहीं होता कि प्रोग्राम ही नहीं होते तो खर्च काय पे करें। तो हमने वो कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा मेरे मंत्रालय में जो मेन चीज थी वो थी परसेप्शन चेंज करने की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, माइनॉरिटी मंत्रालय तो खत्म कर दिया जाएगा। वो सब गलत साबित हुआ। जो अवार्ड वापसी हो रही थी, इस तरह का एक माहौल बनाया गया था। जैसे ही मैंने चार्ज लिया उसके फौरन ही बाद, वो आज कोई कुछ नहीं कह रहा, सब खुश हैं, खामोश हैं, विकास के काम में जुटे हुए हैं। आसाम कहो, नॉर्थ ईस्ट कहो, पंजाब कहो या कश्मीर हो, पूरे नॉर्थ साउथ पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हमारी माइनॉरिटी ने काम शुरू किया वहां काम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हरसिमरत कौर जी आई थी, वो बता रही थी कि पंजाब में जो मैं खोल के आई हूँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, वो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। यूपी में इसी तरह से चल रहे हैं प्रोग्राम। 13 जगह पे हमने वहां मानस के ट्रेनिंग के प्रोग्राम थे। तो अब मेरा काम जब ठीक चल रहा है तो आई हैव नथिंग टू वरी। तो मैंने अध्यक्ष जी से कल जाके इजाजत मांगी कि अगर मेरा अब काम हो गया है, अब मैं अगर इजाजत दें तो मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने दे दी, रिलक्टेंटली दी, पर दे दी।